झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर में पुराने तहसील रोड पर ग्राहकों को बुलाने पर दो दुकानदारों के बीच आपसी झड़प हो गई। घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पुनिया कॉम्प्लेक्स के सामने दो रेडीमेड व्यापारियों की आसपास दुकान है। यहां ग्राहकों को आवाज देकर बुलाने की बात पर पहले तो कहा सुनी हुई, उसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान सूरजगढ़ निवासी दुकानदार सतीश पुत्र संत कुमार के सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। 15-20 मिनट के बाद पुलिस पहुंची और घायल दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया। घायल सतीश ने पड़ोसी दुकानदार संजय मनोज केडिया व अनिल टेलर के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हरी लकड़ियों की अवैध तस्करी के मामले में 4 पिकअप जब्त, 4 जने गिरफ्तार। हरी लकड़ियों का अवैध तरीके से तस्करी करने के मामले में 4 पिकअप को जब्त किया गया है और 4 जनों को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ओम प्रकाश पायल ने बताया कि उप वन संरक्षक झुंझुनू राजेंद्र कुमार हुड्डा के दिशा निर्देश पर रेंज खेतड़ी व चिड़ावा स्टाफ की संयुक्त कार्रवाई करते हुए गश्ती दल ने हरियाणा बॉर्डर के पास पिलोद गाँव में आज सुबह 4 पिकअप को अवैध हरी लकड़ियों का परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया है तथा 4 जनों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया। इस मामले में अनिल, पवन, सुदेश, रोहितास को गिरफ्तार किया गया है। ये रोज ही हरियाणा जा रहे हैं लकड़ियां, राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 में कार्रवाई की जा रही है। और ये रोज ही मुक्ति की सूचना में भी है कि हर रोज हरियाणा ये गाड़ियां जा रही हैं, 15-20 गाड़ियां जा रही हैं। तो हमने आज सुबह 3 से 6 के बीच में 4 गाड़ियों की कार्रवाई की। ये कार्रवाई कहाँ पर की सर? चेक पोस्ट पे की हमने, पुलिस के सहयोग से की है। तो एक गाड़ी पुलिस ले गई है, गाड़ी पुलिस लेके गई है, बाकी 4 गाड़ी हमारे पास। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे वन अधिनियम 1953 उनको FIR दर्ज कर